students, today I will discuss the 11th lecture of basic mathematics, and in this lecture we will discuss about some logarithmic inequality based questions and exponential inequality. Also we will discuss the square root of inequality. So let me start. इसके पहले क्लास में ना हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी में कुछ और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड। देखो बच्चों, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में मैंने आपको बता रखा है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में मेनली हमारे पास थ्री टाइप्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। या तो बेस का वैल्यू 1 से बढ़ा दे देगा, या फिर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे देगा, या फिर बेस वेरिएबल कर देगा। और जब जैसे ही बेस वेरिएबल करता है ना, तो वहां पे हम लोग दो केसेस को डिस्कस करेंगे। एक केस आई मीन टू से बेस इज ग्रेटर देन 1, और एक केस लेकर चलेंगे व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 टू 1। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर मैं आपके पास बोलूं सॉल्व लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, लॉग बेस मॉडुलस ऑफ एक्स, आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छे से ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है तो बेस का वैल्यू यहां पर फिक्स नहीं है कि बेस का वैल्यू होना क्या है, 1 से बड़ा होगा या 0 से 1 के बीच में होगा। तो हम लोग ने क्या बोला कि अगर बेस वेरिएबल होगा तो बेस में हम लोग दो केसेस को लेकर चल देंगे। तो सॉल्यूशन में केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो आप बताओ जो दिया हुआ है लॉग टू द बेस एक्स आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप बताओ बेस का वैल्यू 1 से बड़ा ले रहे हो, लॉग को हटाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से कि x स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x टू द पावर 1। आई मीन टू से कि x स्क्वायर माइनस 2, और मैं बोल दूं माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बात यहां पे ध्यान देना, लॉग को यहां पे डिफाइन करने की जरूरत मैंने समझा नहीं, उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू मॉड x से बड़ा मेरे को लेना है या उसके बराबर लेना है। मॉड एक्स का वैल्यू तो आपको पता है ये ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं सर, आप ऐसा करो कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हुए लॉग को भी डिफाइन कर लो। तो चलो लॉग को भी डिफाइन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब बारी बारी से करना क्या है कि फर्स्ट को सॉल्व करो, सेकंड को सॉल्व करो, थर्ड को सॉल्व करो, तीनों से एक्स का वैल्यू निकालो और पहले तीनों में इंटरसेक्शन ले लो। तो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 और एक्स शुड बी लेस देन माइनस 1, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम लोग बात करें, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ध्यान देना। सेकंड की अगर हम लोग बात करें, आप एक बात बताओ मॉड एक्स का वैल्यू 1 से मैं बढ़ा ले रहा, अच्छे से ध्यान देना। बट स्पेशली मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो मैं बोलो मॉड को ब्रेक करो, या मॉड को ब्रेक नहीं करना चाहते तो इस तरीके से लेकर चलो कि एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट अगर चलना चाहे, मॉड को ब्रेक नहीं करना चाहे, तो अब मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, तो ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दो तो टी हमारे पास हो जाएगा माइनस टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन स्कीम से लेकर चलो, टी का वैल्यू माइनस 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव लेना है। तो t should be less than or equal to 1, union t should be greater than or equal to 2. But actually we have to find the values of x. तो चलो t के बदले substitute करो, t के बदले modulus of x है, तो modulus of x less than or equal to minus 1, union modulus of x greater than or equal to 2. तो modulus of x का value less than or equal to minus 1 तो कभी possible हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास mod का value जब भी होगा तो greater than or equal to 0 होगा। तो खैर कोई नहीं, यहाँ से लेके चलते हैं, x should be greater than or equal to 2 और x should be less than or equal to minus 2. इसके मतलब ये हुआ हमारे पास, ध्यान देना बच्चों कि हमारे पास फर्स्ट में जो आ गया, जस्ट लिसन टू मी, फर्स्ट में हमारे पास आ गया क्या, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन माइनस 1, ठीक है। सेकंड से हमारे पास आ रहा है वैल्यू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। थर्ड से हमारे पास, मैं बोलूं थर्ड से हमारे पास यहां से बोल सकता हूं मैं x स्क्वायर ग्रेटर देन 2, आई मीन टू से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन रूट 2, तो यहां से x का वैल्यू मिलूंगा x ग्रेटर देन रूट 2 और x इज लेस देन माइनस स्क्वायर रूट, ये थर्ड आ गया। तो हम लोग का टारगेट यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारे पास फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड इंटरसेक्शन, फोर्थ। बस देखो बच्चों यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को अच्छे से समझना आप लोग।
कैलकुलेशन अगर अच्छे से करना स्टार्ट कर दिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व करवा दिया है आपको कि मॉडल आई मीन टू से कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में ना थ्री टाइप्स के क्वेश्चन ही बनेंगे। एक बार बेस का वैल्यू 1 से बड़ा पे बना लो क्वेश्चन, एक बार बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में बने ले लो क्वेश्चन को, और एक बार बेस का वैल्यू वेरिएबल कर लो। तो वेरिएबल वाला ही हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस का वैल्यू जब भी वेरिएबल होगा तो हमारे पास दो केसेस को लेकर उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे हमने केस फर्स्ट ले लिया, केस फर्स्ट से हमारे पास ये 3 हमारे पास x का वैल्यू आया, तो तीनों पहले इंटरसेक्शन लेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड, तीनों में एक साथ इंटरसेक्शन लेने से बढ़िया कि पहले आप दो को इंटरसेक्शन एक साथ ले लो, दो का इंटरसेक्शन ले लो। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन लेने का तरीका हमने साइन स्क्रीन में बता रखा है, ये माइनस इनफिनिटी, ये प्लस इनफिनिटी। फर्स्ट और सेकंड में जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दो। तो सबसे पहले -2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद 2। अब फर्स्ट में मतलब मेरे पास बोला गया x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, ध्यान रहे -1 पे ब्लैंक और 1 पे ब्लैंक है। सेकंड में मेरे पास बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2। तो आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे जो कॉमन साइडेड पार्ट है x इज लेस देन और इक्वल टू -2 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमने मान लिया, छोड़ दीजिए 4, ठीक है। अब 4 का इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे किसके साथ बताओ बच्चों, थर्ड के साथ। तो फिर वही काम करो, 4 और थर्ड में जो जो डिजिट दिखाई दे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। तो 4 और थर्ड में सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो -2, उसके बाद -√2, उसके बाद √2, उसके बाद 2। अब बताओ थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया, ग्रेटर देन √2 और लेस देन -√2, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2। तो ओवरऑल कॉमन क्या मैं बोलूंगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -2 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको हमने मान लिया ए, मतलब आंसर का एक पार्ट हमारे पास निकल गया। लेकिन एक बात ध्यान देना, मेरे पास फाइनल आंसर अभी निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने अभी एक केस को डिस्कस और करना है। तो चलो केस सेकंड की हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चों केस सेकंड की अगर हम लोग बात करें, क्या केस सेकंड हम लोग बोलेंगे कि बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गया, ये 5 मान लिया, ठीक है। तो आप बताओ log to the base x, I mean modulus of x, argument x square minus 2 is greater than or equal to 1। अब बताओ कि base lies between 0 to 1 होगा, तो logarithmic function जो हमारे पास होगा strictly decreasing nature का होगा, I mean to say कि log हटाओगे तो the sign of inequality get reversed। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि x square minus 2 is less than or equal to modulus of x, I mean to say modulus of x to the power 1 बोले तो modulus of x, इसको 6 कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद log के argument को define कर लो, तो x square minus 2 must be greater than 0, इसको 7 कर लेते हैं। फिर वही काम करेंगे, 5 को solve करेंगे, 6 को solve करेंगे, 7 को solve करेंगे, फिर तीनों में intersection ले लेंगे, और finally हमारे पास intersection, हमारे पास इस तीनों में intersection लेंगे, तो मान लिया मैंने उसको B मान लेंगे, तो finally answer जो होगा A union B। मैं जो बोला चलो समझ में आ रहा है ना, clear है ना। तो आप 5, 6 और 7 को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं, कुछ में मॉडुलस इनइक्वालिटी लगाओ, साइन स्क्रीम लगाओ, सॉल्व कर लोगे। तो हमारे पास 5 इंटरसेक्शन 6 इंटरसेक्शन 7 ले लोगे तो हमारे पास मान लिया वो आ गया बी। तो जो फाइनल आंसर बोलेंगे हम लोग ए यूनियन बी, और इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, आप कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बोलोगे नहीं सर निकाल कर बता दो, चलो मैं निकाल कर बता देता हूँ, समझो आप। देखो बच्चों ध्यान देना, चलो बताओ फ्रॉम 5 की अगर मैं बात करता हूं, क्या हमारे पास है 0 लेस देन मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1। जस्ट लिसन टू मी, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहां से यहां तक अगर मैं इसको मान लू थोड़ी देर के लिए फर्स्ट, ठीक है, और यहां से यहां तक मान लू थोड़ी देर के लिए सेकंड, कुछ ऐसा। तो मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 0 ये तो ऑलवेज होगा, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, तो यहां से मैं बोलूंगा -1 से +1 के बीच में बोलूंगा मैं। तो पहले ही हम लोग फर्स्ट इंटरसेक्शन यहां से सेकंड की बात करते हैं, तो ये दोनों में कॉमन लेंगे तो -1 से +1 के बीच में आ जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे 5। चलो ध्यान देना बच्चों, अब 6 की बात कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x -2 लेस देन और इक्वल टू 0, फिर वही करो आप, इसको मैं बोल सकता हूं ना कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x -2 लेस देन और इक्वल टू 0, मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो आप, तो ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 0, टी हमारे पास फैक्टर निकालेंगे तो टी प्लस 1 इनटू मैं बोल देता हूँ टी माइनस 2, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ लेस देन और इक्वल टू 0। चलो आप बताओ टी का वैल्यू -1 और 2, ये पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव, हम लोग को लेना है निगेटिव,
नेगेटिव लेने का मतलब है कि टी का वैल्यू आ गया माइनस वन से टी का वैल्यू टू के बीच में, तो टी के बदले मॉडुलस ऑफ एक्स से सब्स्टिट्यूट करो, आई मीन जो मेरे पास जो शुरू का एक्सप्रेशन था माइनस वन लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू टू। तो चलो आप बताओ फिर इसको सॉल्व करने का तरीका, तो आप बता सकते हो ना माइनस वन से मेरे पास बोला गया मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, ये तो ऑलवेज सही होगा। फिर बोला गया मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, तो एक्स का वैल्यू माइनस टू से प्लस टू, तो यहाँ से ओवरऑल बोल सकते हैं ना कि एक्स का वैल्यू माइनस टू से प्लस टू के बीच में जाएगा। देखो बच्चों सिक्स से मेरे पास आ गया सिक्स का आंसर, ठीक है ना। सेवन से बहुत आसानी से आप बोल सकते हो, अगर मैं सेवन को डिस्कस करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं, तो एक्स ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ टू और एक्स लेस देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये हमारे पास सेवन आ गया। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग अरेंज, आई मीन अरेंज करते हुए कि फाइव सिक्स सेवन क्या क्या हमारे पास आ रहा है। देखो फाइव हमारे पास क्या आ गया माइनस वन से प्लस वन के बीच में आ गया फाइव, सिक्स हमारे पास क्या आ गया माइनस टू से प्लस टू के बीच में आ गया, ठीक है ना। सेवन हमारे पास क्या आ गया एक्स इज लेस देन माइनस रूट टू और एक्स इज ग्रेटर देन रूट टू, ये सेवन हमारे पास आ गया। तो यहां पे हम लोग इंटरसेक्शन की बात पहले कर लेते हैं। देखो बच्चों फाइव इंटरसेक्शन सिक्स इंटरसेक्शन सेवन, तो तीन में इंटरसेक्शन लेने से बढ़िया पहले दो में इंटरसेक्शन ले लो, फाइव इंटरसेक्शन सिक्स। तो फाइव और सिक्स में जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है सबसे पहले माइनस टू माइनस वन वन और टू, अब ये बोला गया माइनस वन से प्लस वन के बीच में, माइनस वन पे ब्लैंक और वन पे ब्लैंक हमारे पास आ गया, अब ये माइनस टू से प्लस टू के बीच में हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों में कॉमन में बोल सकते हैं ना कि माइनस वन से प्लस वन के बीच में चला गया, तो इसको मैं मान लेता हूँ एट। अब हम लोग लेंगे सेवन इंटरसेक्शन एट, तो सेवन इंटरसेक्शन एट लेने के लिए फिर नंबर लाइन आप प्लॉट करो, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले हमारे पास माइनस रूट टू लेंगे, उसके बाद माइनस वन, उसके बाद वन, उसके बाद रूट टू ले लेंगे। अब बताओ हमारे पास एक्स इज लेस देन माइनस रूट टू, सेवन बोला गया ग्रेटर देन रूट टू, ठीक है, और ये बोला गया माइनस वन से प्लस वन के बीच में बोला गया है। तो आपको ये फील हो रहा होगा कि हमारे पास सेवन इंटरसेक्शन एट जो गया एक्स बिलोंग्स टू फाइव चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फाइनली ये बी में बोलूंगा ना इसको, तो आंसर हमारे पास होगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, तो बी तो हमारे पास फाइव हो गया, तो सिंपली आंसर जो होगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू यूनियन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इंटरवल वाइज की बात करूं तो मैं, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इंफिनिटी। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे बना रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यहाँ पे बस इस बात पे ही है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन के टाइप को पकड़ना, कि क्वेश्चन का टाइप हमारे पास है क्या, टाइप कहने का मतलब क्या हुआ कि बेस का वैल्यू क्या वन से बड़ा है या बेस का वैल्यू जीरो से वन के बीच में है या बेस हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल होगा तो ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन होगा, क्यों, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा आपका, है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में ना जो ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे हमने इसके पहले क्लास में कुछ क्वेश्चन दे रखा था, एक दो क्वेश्चन मैंने बताया भी था आप लोगों को, याद होगा ना। तो चलिए आइए इसमें बेस्ट कुछ और क्वेश्चन लिख लो आप होमवर्क में और इस पर प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में इन करेंगे। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन कॉपी कर लो आप होमवर्क में, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट हैंड साइड में दे दिया है, सेकंड क्वेश्चन का भी राइट हैंड साइड में दे दिया है आंसर, थर्ड क्वेश्चन का भी राइट हैंड साइड में आंसर दे दिया मैंने, फोर्थ क्वेश्चन का भी राइट हैंड साइड में दे दिया है और फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास है ना वो बिल्कुल यहाँ पे दे दिया हूँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई में इक्वेशन आएगा, यहाँ से भी हमारे पास एक्स और वाई में आई मीन टू से इन इक्वेशन आएगा, दो इन इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे पास, तो वहां से एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, एक्स और वाई का वैल्यू हमने दे दिया आपके पास, आई मीन टू से बोल सकते हो कि फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मजेदार होगा आपके लिए, ठीक है, तो अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। आइए लेके चलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो गया, अब आइए एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दो बच्चों, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी ये भी बिल्कुल लॉग की तरह ही है, ठीक है, आप ध्यान देना क्वेश्चन का टाइप में कि अगर क्वेश्चन का टाइप a टू द पावर एफ एक्स इज ग्रेटर देन a टू द पावर जी एक्स रहा, देन आपको यहां पे भी बिल्कुल सेम थिंग को देखना है कि बेस का वैल्यू अगर वन से बड़ा हुआ जस्ट लिसन टू मी, तो वन से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो होता है बिल्कुल वैसे ही मैं बोलूंगा कि जैसे लॉग में बेस का वैल्यू वन से बड़ा होता है ना, वैसे ही एक्सपोनेंशियल। सबसे पहली बात तो मैं एक्सपोनेंशियल थोड़ा फंक्शन के बारे में जिक्र कर दूं कि एक्सपोनेंशियल
जो फंक्शन होता है ना, 11th वाले बच्चों के पास दिमाग भी ये चल रहा होगा कि फंक्शन क्या चीज होता है, तो फंक्शन के बारे में भी दिमाग मत खराब करना, ठीक है, वो 12th में पढ़ना है। बस एक्सपोनेंशियल का फॉर्म ये जान लो कि कोई भी एक्सप्रेशन fx इक्वल टू a टू द पावर x होगा, जहां पर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान देना। कोई भी एक्सप्रेशन अगर fx इक्वल टू a टू द पावर x होगा ना, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, और इसके कोरस्पोंडिंग जो इक्वेशन होगा ना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसमें भी बस ध्यान में रखना कि a टू द पावर x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब तुम एक बात बताओ कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू कुछ भी 0 से बड़ा ले लो, आप x का वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, क्या फर्क पड़ता है, पूरे का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। इट शुड बी रिमेंबर, इज दैट क्लियर नॉट? और यहां पर देख लो ना, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि आपके पास पता है कि एक्सपोनेंशियल हमारे पास लॉग पे डिपेंड करेगा, लॉगरिथमिक, हमारे पास लॉगरिथम का लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपके पास बता रखा है टू सॉल्व द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, बता रखा है मैंने। तो यहां पे एक पॉइंट और याद रख लेना है कि एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। रहा सवाल कि ग्राफ ऐसा ही क्यों होगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल वही मेथड आप लॉजिक के 9th-10th वाले मेथड से, टेबलर फॉर्म से आप ग्राफ का नेचर प्रेडिक्ट करोगे ना, तो ग्राफ का नेचर कुछ इसी तरीके का आएगा। तो यहां पे बोल सकता हूं दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन बेस जैसे ही 0 से 1 के बीच में चला जाएगा तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीके का चला जाएगा, ठीक है। ये 0, 1 y equal to a to the power x when base lies between 0 to 1, तो आपके पास फील हो रहा होगा कि ये हमारे पास x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू घटते जा रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन a to the power x is a strictly increasing function, a strictly increasing function के लिए हमारे पास दे सकते हो एरो का इंडिकेशन, अगर ऊपर दे रहे हो तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर एरो का इंडिकेशन नीचे दे रहे हो तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो सेम सिचुएशन हमारे पास है कि बेस का अगर वैल्यू 1 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा, आई मीन टू से कि बेस हटाओ देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, आई मीन टू से ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, लेस है तो लेस होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि fx इज ग्रेटर देन gx, और इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो x का वैल्यू फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बेस का वैल्यू अगर हमने 0 से 1 के बीच में रखा, 0 से 1 के बीच में रखोगे तो हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का जाएगा ग्राफ, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का होगा, आई मीन टू से कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल बेस हटाओगे तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, आई मीन टू से कि मैं बोल सकता हूं कि fx इज लेस देन gx, और इसे सॉल्व कर लो, जो भी आएगा मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं 4 टू द पावर x + 1 is less than or equal to 4 to the power 3 minus 4x, मेरे को सॉल्व करना है, बड़े आराम से कर सकते हैं, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, बेस हटाओगे इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई मीन टू से x + 1 less than or equal to 3 minus 4x। देखो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि ये क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन बस क्लियर है हमारे पास है कि एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड अगर इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मैं उस बात को बस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप बताओ बेस हट गया, बड़े आराम से बोल सकते हैं 4x को इधर ले जाओ तो 5x less than or equal to इसको इधर ले जाओ तो जाएगा हमारे पास 2, I mean to say x is less than or equal to 2/5, this is the final answer। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, ध्यान देना सारे लोग, जैसे सपोज करो क्वेश्चन हमारे पास ये दे दूं, सॉल्व 1/2 टू द पावर 2x माइनस 1 इज लेस देन 0.5 का पावर 3 माइनस 4x, सॉल्व करने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे भी बोल सकते हो आप बिल्कुल सेम थिंग कि 1/2 टू द पावर 2x माइनस 1 इज लेस देन 0.5, बोले तो 1/2 ही है, टू द पावर 3 माइनस 4x है। अब देखो बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो एक्सपोनेंशियल हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, आई मीन टू से कि 2x माइनस 1 लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा 3 माइनस 4x। अब बड़े आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप बताओ 4x को इधर ले जाएंगे तो जाएगा 6x और 1 को उधर ले जाओगे तो ग्रेटर देन हमारे पास हो जाएगा 4, आई मीन टू से x इज ग्रेटर देन 2/3, दिस इज द फाइनल आंसर। बट यहां पे भी ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में भी बिल्कुल बेस का चक्कर है कि हो सकता है बेस का वैल्यू एक बार 0 से 1 के बीच में दे दे क्वेश्चन ने जो भी हमने दिया, या हो सकता है बेस का वैल्यू 1 से बड़ा क्वेश्चन में दे दे जो इसके पहले हमारे पास एग्जांपल पे हमने बताया, बहुत ज्यादा करेगा तो क्या करेगा आप बताओ, बेस का वैल्यू बेस में वेरिएबल लगाएगा, जैसे हमारे पास लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में था हमारे पास। तो क्वेश्चन के टाइप को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में जो हम लोग इंट्यूशन पावर डेवलप कर रहे हैं ना वो कहां तक जाएगा,
अगर उस चीज को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो गारंटी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप बना करोगे पक्का। तो चलो और लेके चलते हैं, एक बार बेस को वेरिएबल कर देते हैं। तो बेस को जैसे ही वेरिएबल करेंगे हम लोग, तो वहां पे दो केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना? जैसे अगर हमने बोल दिया क्वेश्चन में सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर एक्स इज लेस देन वन, देखना ये भी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी ही है, लेकिन यहां पे बेस का वैल्यू फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो केस फर्स्ट में क्या लेकर चलेंगे हम लोग, देखो बच्चे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का वैल्यू अगर वन से मैं बढ़ा ले लेता हूं, ठीक है, वन से बढ़ा ले लेंगे ना हम लोग, तो हमारे पास किस टाइप का इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाएगा। आप बताओ, बेस का वैल्यू वन से बढ़ा लिया, तो बेस का वैल्यू वन से बढ़ा लिया तो पहली बात तो इसको भी हमारे पास सेम बेस पे ले आओ, आसान हो जाएगा सोचना। सेम बेस पे लाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर हम लोग जीरो कर देते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर जीरो का वैल्यू वन होगा। अब बेस का वैल्यू हमने वन से बढ़ा ले लिया, तो बेस का वैल्यू वन से बढ़ा ले लिया तो हमारे पास बेस को हटा दो, इनइक्वालिटी से पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई मीन टू से एक्स इज लेस देन हमारे पास हो जाएगा जीरो। ये सेकंड मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब बताओ, फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हो, सेकंड को सॉल्व कर सकते हो, सेकंड को सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, तो फर्स्ट को सॉल्व करना, सेकंड को सॉल्व किया हुआ है ही और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो चलो अब बताओ, फर्स्ट से मैं यहां से लेकर चलता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वन और वन तो कैंसिल कर देंगे, ग्रेटर देन जीरो, एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, साइनस के मेथड से एक्स का वैल्यू माइनस वन और हमारे पास हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, हम लोग लेना है पॉजिटिव, आई मीन टू से एक्स इज लेस देन माइनस वन यूनियन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये मैं मान लिया सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड में जो जो डिजिट हमारे पास दिखाई दे रहा है उसको नंबर लाइन पे दिखाऊं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये माइनस वन हो गया और ये जीरो हो गया। अब बताओ फर्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया, आई मीन टू से लेस देन माइनस वन, लेस देन माइनस वन एंड ग्रेटर देन जीरो, बस ध्यान देना माइनस वन पे भी ब्लैंक पड़ेगा और जीरो पे भी हमारे पास ब्लैंक पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सेकंड की बात करूं ना तो ये लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो कुछ ऐसा होगा हमारे पास। अब बताओ दोनों ऊपर नीचे कॉमन में, आई मीन ऊपर नीचे में जो साइडेड रीजन हमारे पास है, दोनों में कॉमन जो पार्ट हमारे पास है वो कौन गया, x is less than minus 1, तो ये हम लोग ने a मान लिया, मतलब सॉल्यूशन का एक पार्ट निकल गया हमारे पास। उसी तरीके से सॉल्यूशन का दूसरे पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। केस फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब आइए केस सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। केस सेकंड क्या लेंगे, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ध्यान देना, केस सेकंड अब बेस का वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का वैल्यू ले लेता हूं मैं, जीरो से वन के बीच में ले लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं थर्ड। अब बताओ हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर एक्स इज लेस देन वन है, तो वन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर हम लोग जीरो बोल सकते हैं। क्या बोला, चलो समझ में आ रहा ना? तो बिल्कुल, अब बेस का वैल्यू देखो जीरो से वन के बीच में ले लिया, तो हमारे पास बेस हटाओ, इनइक्वालिटी के साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ जाएगा, आई मीन टू से द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, आई मीन टू से कि x इज ग्रेटर देन हो जाएगा जीरो। फोर बताओ, थर्ड को सॉल्व कर लोगे, फोर को सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, तो हम लोग थर्ड इंटरसेक्शन फोर लेंगे, आई मीन आफ्टर सॉल्विंग द इनइक्वालिटी दिस वन, तो जो भी हमारे पास आएगा उसको मान लेंगे b और फाइनली आंसर बोलेंगे a यूनियन b। क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? तो मैं आंसर दे रहा हूं, a यूनियन b का जो आंसर हम लोगों के पास होगा वो कुछ होगा x इज लेस देन माइनस वन, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो और इस पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं होमवर्क में, आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, लिख लो, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पे बेस्ट हमने दे दिया है, बड़े आराम से कर लेना आप लोग। जिसमें भी बेस वेरिएबल है, बेस में हम लोग दो केसेस को लेकर चलेंगे, ठीक है ना? आइए लेके चलते हैं नेक्स्ट में, एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी। स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी की बात हम लोग करेंगे, मतलब हमारे पास अब क्या करना है ना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, वैसे इनइक्वालिटी को जिसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ हो। तो
हम लोग ने साइन स्कीम पढ़ रखा था ना, उसी साइन स्कीम का कुछ आई मीन एप्लीकेशन यहाँ पर होगा। जैसे एक्चुअली हम लोगों के पास क्वेश्चन का टाइप होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना और इससे रिलेटेड कुछ और डिफरेंट टाइप के हमारे पास इनइक्वालिटी मिलेगा। तो आपके पास पता है ना कि अगर हमारे पास ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी है देन ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, कब? जब ए और बी दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा कब? जब ए और बी दोनों का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। ये हमने आपके पास बता रखा है ना। स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी है, स्क्वायर रूट के अंदर एक हमारे पास पार्टिसिपेट करेगा और उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास स्क्वायरिंग करना तो जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा, और स्क्वायरिंग करने के लिए हमने बेसिक एमिटो से इनइक्वालिटी में मैंने बता रखा है कि स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ना। आइए एक दो क्वेश्चन से मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, रेदर देन कि आपको पहले मैं स्टेप लिखा दूं उसके बाद क्वेश्चन को समझाऊं। ठीक है, समझो। जैसे सपोज करो हमने क्वेश्चन में दे दिया सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपके पास ये होगा कि स्क्वायर रूट को आप डिफाइन करो, वो कौन सा स्क्वायर रूट है जिसमें भी जितना भी स्क्वायर रूट आपके पास है, यहां पे एक ही स्क्वायर रूट है। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, आई मीन टू से x is greater than or equal to minus 1, इसको हम लोग a मान लेंगे। एक बात समझना, हमारे पास a का स्क्वायर रूट होगा तो एक स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हुए x का वैल्यू निकालेंगे, दो स्क्वायर रूट होगा तो दोनों स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हुए x का वैल्यू निकालेंगे, तीन स्क्वायर रूट होगा तो तीन स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हुए x का वैल्यू निकालेंगे, और पहले ही हम लोग तीनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे। दो स्क्वायर रूट हुआ तो दोनों में से x का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों से पहले इंटरसेक्शन दोनों में x का वैल्यू के लिए इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले ही हमारे पास एक ही स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब यही है कि हमारे पास x के उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ओवरऑल सारे स्क्वायर रूट डिफाइन होंगे। अब ये ध्यान देना कि जो भी मेरे पास आंसर आएगा ना वो इसी का सबसेट होना चाहिए, इट शुड बी रिमेंबर। पता है क्यों? जरा सोचो ना कि अगर x का वैल्यू माइनस वन या माइनस वन से बड़ा ना लेकर इसका नॉन इवेंट ले, आई मीन टू से x का वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि माइनस वन से मैं लेता हूँ छोटा, माइनस वन से छोटा करने का सेंस क्या है? सपोज करो माइनस टू की बात करें तो माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर रूट रियल के सेंस में डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट का मेरे पास जो स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हुए x का वैल्यू आया ना, तो x का जो भी वैल्यू आया फाइनल जो आंसर होगा वो इसी का सबसेट होगा। तो बोलो सर क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। बोले हाँ ये भी बात सही है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आप सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का जो तरीका ये हम लोग के पास है, ध्यान देना सारे लोग कि इस डोमेन को ध्यान रखना कि x is greater than or equal to minus 1, greater than or equal to minus 1 के लिए इसका वैल्यू देखो तो पॉजिटिव होगा, जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। वंस अगेन जो हमारे पास x का वैल्यू आया स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हुए, उस डोमेन में देखना कि जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है वो पूरे का वैल्यू अंडर द डोमेन दिस वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो बोलो सर वो तो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पे। सपोज करो x का वैल्यू मेरे पास ध्यान रहा ये पॉजिटिव कब होगा पहले आप बताओ। ये पॉजिटिव होने के लिए x माइनस वन को ग्रेटर देन जीरो कर लो तो x का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होगा। मेरी बात को ध्यान देना, 1 से छोटा पुट करेंगे तो नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 से छोटा पुट करेंगे तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 1 से छोटा, मेरी बात को समझना। तो ये हमारे पास कहां से बोला गया है माइनस 1 से बड़ा। तो हम लोग ना कोशिश ये करेंगे ना कि इसका वैल्यू x के वैल्यू कहां से कहां तक के लिए पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू x के वैल्यू के लिए कहां से कहां तक के लिए नेगेटिव होगा। इस दो केस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप बताओ केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, केस फर्स्ट लिसन टू मी, मैं नेगेटिव की बात करता हूं, बताओ ये नेगेटिव क्या होगा? जब x माइनस वन लेस देन जीरो यानी x लेस देन वन, तो लेस देन वन मतलब कहां तक? तो मैं बोलूंगा माइनस वन से, तो मैं माइनस वन से x का वैल्यू वन के बीच में ले लेता हूं। तो आप बताओ अभी इक्वालिटी साइन किसी भी नहीं ले रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान देना, बाउंड्री पॉइंट पे इक्वालिटी साइन की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट में बताऊंगा इक्वालिटी साइन के बारे में। तो आप बताओ तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, मतलब ये ध्यान देना टारगेट यही रखना है आपको कि जिसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ ना हो एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जीरो की बात हटा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव,
पॉजिटिव और निगेटिव देख लेना कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक के लिए पॉजिटिव और कहां से कहां तक के लिए निगेटिव होगा, उसी तरीके से केसेस को लेकर के आप ब्रेक करो। तो हमने लिखा ये वाला वैल्यू निगेटिव होगा, एक्स का वैल्यू लेस देन 1 तो लेस देन 1, लेकिन ये भी ध्यान देना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस 1 से 1 के बीच में। आप बताओ कि इस इंटरवल में ये हमारे पास निगेटिव है बट ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मेरी बात को अच्छे से समझना, क्यों माइनस 1 से 1 के बीच में हमारे पास ये वाला वैल्यू तो डिफाइन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 के लिए, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव, राइट और रॉन्ग? तो बोलेंगे राइट सर, डेफिनेटली। तो यहां से मैं बोलूंगा सर कि पर्टिकुलरली अगर मैं सर यहां से मैं बोलूं कि सर ये पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव x के किस वैल्यू के लिए, तो सर जो अपन ने वैल्यू ले रखा है आई मीन टू से माइनस 1 से प्लस 1, तो मैं बोलूंगा x का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1। अब रहा सवाल कि ये बाउंड्री पॉइंट पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, तो लेट मी चेक एट द बाउंड्री पॉइंट। चलो बताओ माइनस 1 पुट करता हूं, तो माइनस 1 प्लस 1 0, 0 इज ग्रेटर देन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, राइट है, तो माइनस 1 की इक्वलिटी होल्ड कर देंगे। 1 पे जरा चेक कर लो, 1 प्लस 1 इज रूट 2, रूट 2 इज ग्रेटर देन 0, सही है, तो माइनस 1 आई मीन 1 पे भी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। अब हमारे पास केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या लेकर चलेंगे, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, ग्रेटर देन 1 में ये तो हमारे पास आ ही जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग फिर सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 1। बताओ ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी पॉजिटिव, बड़े आराम से स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, x प्लस 1 ग्रेटर देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई मीन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 3x ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा इज लेस देन 0, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इज लेस देन 0, साइन स्कीम से x का वैल्यू 0 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हम लोग को नेगेटिव लेना, आई मीन x लाइज बिटवीन 0 टू 3, इट शुड बी रिमेंबर, लिसन टू मी, ध्यान देना सारे लोग राइट नाउ। तब करना आपको क्या है कि इसको फर्स्ट मानना है, इससे जो आंसर आया उसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मानना है, इससे जो आंसर आया उसको फोर्थ मान लो, और फाइनली हम लोग बोलेंगे, ध्यान देना सारे बच्चों, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ। तब बताओ फर्स्ट और सेकंड में इंटरसेक्शन तो माइनस 1 से प्लस 1 ही हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ में कॉमन लो, तो थर्ड एंड फोर्थ भी अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि इट्स लाइज बिटवीन 1 टू 3, है ना, तो दोनों में कॉमन, दोनों में आई मीन टू से ओवरऑल फाइनल आंसर लिख सकता हूँ ना, माइनस 1 से लेकर करके कहां तक जाएगा बच्चों, देखो तो 3 तक, 3 को ओपन और यहां पे क्लोज दे ही दिया मैंने साइन माइनस 1 टू 3, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, डाउट है तो इसको और फिर एक दूसरे क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ध्यान दो सारे लोग। देखो फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, अब जैसे सपोज करो हमने ले लिया सॉल्व क्वेश्चन, कुछ यूं ले लेता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 3, सॉल्व करना है मेरे को। हमने क्या बताया, पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करो, स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या मैं बोलूंगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, यहां से पहले x का वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, आई मीन टू से x का वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में आया मॉडुलस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देना बच्चों कि जो भी x का वैल्यू आएगा फाइनली हमारे पास इसी का सबसेट होना चाहिए, इट शुड बी रिमेंबर, ध्यान देना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्लियर है ना, चलो ध्यान देना। तो इसको हम लोगों ने ए मान लिया, ठीक है, अब टारगेट क्या रखना है, ये वाला वैल्यू देखो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से कहां तक के लिए पॉजिटिव और कहां से कहां तक के लिए नेगेटिव होगा, तो तुम एक बात बताओ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 3, जस्ट लिसन टू मी, डोमेन कहां से कहां तक है, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, तो पहले हम लोग क्यों ना ऐसा चेक कर ले कि माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, आई मीन टू से पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जीरो तो पहले बार में कटा दो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जो चेक कर सकते हो, पहले आप बताओ ये वाला वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, पहले बताओ जब 2x minus 3 less than 0, I mean to say x is less than 3 by 2, positive कब होगा जब हमारे पास बोल दो कि x is greater than 3 by 2, domain कहां से कहां तक दिया हुआ है, minus 1 से plus 1 के बीच में दिया हुआ है, minus 1 से plus 1 के बीच में, समझ में आ रहा है, ध्यान देना ये वाला domain इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, बोलेगा understood है sir, इसमें जाएगा sir, x is less than 3 by 2, I mean to say कि under that domain ये मैं बोलूं कि minus 1 से plus 1 के बीच में ये हमारे पास negative है और ये हमारे पास greater than or equal to 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव,
इक्वल टू नेगेटिव तो नहीं होगा, बट ग्रेटर देन नेगेटिव तो ऑलवेज होगा। आई मीन टू से कि मैं बोल दूंगा कि फाइनली x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, दिस इज द फाइनल आंसर, यहां पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला चारों, समझ में आ रहा है? फिर से समझो कि हमने बोल दिया डोमेन -1 से +1 के बीच में आ गया, क्यों स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हुए x का वैल्यू निकाल दिया। अब इस डोमेन में हम लोग को देखना है कि जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है वो वाला वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो। अगर दोनों हमारे पास होगा तो दो केसेस को सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास देख रहे हैं -1 से +1 के बीच में हमारे पास कुछ भी वैल्यू पुट करेगा तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा एक केस -1 से +1 के बीच में। तो -1 से +1 के बीच में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज सही है, ऑलवेज सही है। मीन टू से इस केस के लिए यही आंसर पार्टिसिपेट करेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ताकि टू से इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये हमारे पास -1 से +1 के बीच में होगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर हमने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होता कि 1 - x² का स्क्वायर रूट लेस देन और इक्वल टू 2x - 3, अगर मैं ये कहता तो यहाँ पे भी हमारे पास x का वैल्यू तो जो होगा जब टू से स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे तो x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में तो होगा ही होगा, ठीक है। अब -1 से +1 के बीच में होगा तो आप एक बार बताओ कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² लेस देन और इक्वल टू 2x - 3, -1 से +1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव, इज इट पॉसिबल? तो बोले नो सर, लेकिन बाकी केसेस के लिए हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वहां पे बस ऑब्जर्वेशन आपका काम करेगा। और एक फिर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ध्यान दो, समझो सारे बच्चों। देखो बच्चों, अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास कह दिया 2 + x - x² का स्क्वायर रूट, मैं बोल देता हूं ग्रेटर देन x - 4, मेरे को सॉल्व करना है, 2 भी स्क्वायर रूट बढ़ाऊंगा मैं, 3 स्क्वायर रूट भी लूंगा मैं, डोंट वरी, अभी बढ़िया समझना। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे। अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x - x² टू बी डिफाइंड, व्हाट डज इट मीन बाय दिस, कि -x² + x + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलो आप साइन स्क्रिप्ट x का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, माइनस कॉमन कर लो तो x² - x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, क्यों, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज मांगेगा, तो चेंज हमने कर दिया, फैक्टराइज कर दो आप तो हो जाएगा हमारे पास x - 1 × x + 1 × x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो बताना x का वैल्यू क्या क्या चला गया, -1 और 2 गया हमारे पास। चलो साइन स्कीम के हेल्प से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, हम लोग को लेना है नेगेटिव, आई मीन टू से x लाइज बिटवीन -1 से 2। जस्ट लिसन टू मी, इसका डोमेन क्या आ गया -1 से 2। अब हम लोग के पास टारगेट क्या होगा कि सर जो भी मेरे पास आंसर आएगा ना वो इसी का सबसेट होना चाहिए, इट शुड बी रिमेंबर, क्योंकि हमारे पास 2 या 2 से बड़ा लेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, -1 से छोटा लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसको ए मान लेना है और ए मानते हुए इस केस के लिए ये देखो ये पूरे का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है कि नहीं है। तो तुम बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 4 से बड़ा लेंगे, 4 से बड़ा इसमें है देखो बच्चों, नहीं है, अच्छे से समझना, 4 से बड़ा इसमें नहीं है, 4 से छोटा तो 4 से छोटा ऑलवेज है सर, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं समझ में आ रहा है, कुछ आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सर जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है ना उसको 0 से इक्वेट कर दो आप, बढ़िया समझना। तो चलो x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा, 4 उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, x इक्वल टू 4। अब देख लो x का वैल्यू कहां से कहां तक के लिए मेरे को सॉल्व करना था, -1 से 2, तो -1 ले लो और इधर 2 ले लो, सॉरी 2 तो इधर ही होगा बेटा, 2 ले लो, मैंने क्या बोला समझ में आया, फिर से समझो इस बात को, फिर से समझो, मजेदार पॉइंट यहां पे फिर एक बार बता दे रहा हूं कि हमने स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हुए x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या बोला, जिसमें स्क्वायर रूट नहीं हो ना उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो x माइनस 4 इक्वल टू अगर हमने 0 से इक्वेट कर दिया था, यहां से x का वैल्यू बताओ क्या आएगा, x का वैल्यू 4, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, x इक्वल टू 4, थोड़ा और आसानी से सोचने के लिए तरीका बता दे रहा हूं, x इक्वल टू 4 प्लॉट कर दिया, अब देखो कहां से कहां तक x का वैल्यू था, -1 से 2, तो -1 से 2 भी पहले ब्लॉक करो, -1 और 2। अब तुम एक बात बताओ, मेरी बात को समझना कि मेरे को ना जस्ट लिसन टू मी, -1 से 2 ही लेना है, 2 से बड़ा और -1 से छोटा लेना नहीं है, तो -1 से 2 लेना है तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, इस केस का डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करेंगे -1 से 2 के बीच में ही। तो तुम बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x - x² इज ग्रेटर देन x - 4,
अब बताओ इसका वैल्यू माइनस वन से टू के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, जबकि ये हमारे पास वैल्यू जब भी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज एट सम टाइम ऑलवेज आई मीन टू से अंडर द डोमेन, तो अंडर द डोमेन हमारे पास मैं बोल सकता हूं कि x lies between minus 1 से 2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? चलो एक से ज्यादा स्क्वायर रूट की बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना सारे लोग बच्चों, देखो बच्चों अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया सॉल्व अ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू प्लस अ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स, बहुत सारा स्क्वायर रूट है सॉल्व करना है, तो हमने क्या बताया था याद करो जितना भी स्क्वायर रूट है ना सबको डिफाइन करते हुए सबसे x का वैल्यू निकालो, और पहले हम लोग सब में पहले इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि x के उस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ओवरऑल सारा स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया, उसके बाद ही हम लोग कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आप पहले बताओ तो इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, x प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए तो x माइनस फाइव मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए तो फाइव माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, x is greater than or equal to 5 और x is less than or equal to 5, तो हमारे पास फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड की बात कर लेते हैं। आप बताओ ये less than greater than or equal to 5 और less than or equal to 5 तो दोनों में कॉमन, तो हमारे पास x equal to 5 ही जाएगा, अब x equal to 5 और x greater than or equal to minus 2 दोनों में कॉमन, तो फाइनली x equal to क्या चला गया 5, आई मीन टू से एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तीनों डिफाइंड है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करके चेक कर लेते हैं, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट को सेटिस्फाई किया तो फाइनली आंसर x equal to 5 ही होगा, सेटिस्फाई नहीं किया तो x का वैल्यू 5 नहीं होगा, आई मीन टू से देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, एम आई राइट और रॉन्ग, जस्ट लिसन टू मी राइट नाउ, ओके लेट मी चेक, x equal to 5, x equal to 5 पुट करेंगे तो 5 plus 2 आई मीन टू से स्क्वायर रूट ऑफ 7, 5 minus 5 is 0 हो जाएगा, तो square root of 7 is greater than or equal to 5 minus 5 is 0, a square root of 7 is greater than or equal to 0, right or wrong, so definitely right sir, I'm going to say this is the final answer of this inequality, this is the final answer of this inequation, I'm going to say inequality, right now, clear है ना, तो इसमें बेस्ट कुछ question लिख लो बच्चों homework में, practice कर लेना आप लोग, ठीक है, लिख लो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट हैंड साइड में दे दिया है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर राइट हैंड साइड में दे दिया मैंने, थर्ड का भी राइट हैंड साइड में दे दिया, फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी और सिक्स्थ का भी आंसर हमने दे दिया सारे का, ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग राइट ना, क्लियर है ना सभी को, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो चलो ठीक है, हम लोगों ने आज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को भी डिस्कस किया, स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटी को भी डिस्कस किया, ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में और बहुत सारी चीजों को जानना है, बट धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो सब चीजें के लिए अभी आपको जरूरत नहीं है, जितना जो 11th के मैथमेटिक्स के लिए चाहिए लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए चाहिए, अलजेब्रा के लिए चाहिए, उन तीनों टॉपिकों के लिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जो जो रिक्वायरमेंट होगा आगे के लिए सब हमने पढ़ा दिया है, और थोड़ी बहुत और कुछ बचे हुए हैं, तो वो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा ना, तो जो बचा हुआ पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को एज पर रिक्वायरमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाते जाऊंगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को मैं यहां पे ही समाप्त करता हूं, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई मीन उससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं बता रहा हूं मैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो गारंटी क्वेश्चन आईआईटी का जो आया हुआ है वो बनेगा ही बनेगा, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और मैं फिर बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो या फिर आगे अलजेब्रा पढ़ो या फिर आगे आप कैलकुलस पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसको यूज करने का तरीका क्वेश्चन में जरूर सीखना रेदर देन उसका प्रूविंग, प्रूविंग तो आपके पास कहीं बुक्स में भी आपके पास मिल जाएगा, जिसको इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करेंगे वो बुक में भी अवेलेबल होगा, लेकिन बुक में ये अवेलेबल नहीं होगा आपका कि इस प्रॉपर्टी को इस इक्वेशन को इन इक्वेशन को क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में यूज करने का तरीका ही सीखना हम लोग के पास मेन मोटो है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके थैंक यू।